हेलो माय यूट्यूब सहेलियों, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि आपका आने वाला संतान इस दुनिया में सही और सलामत आए और माता रानी की कृपा से उन्हें बहुत ही लंबी आयु मिले। तो आज का इस वीडियो में टॉपिक है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान जो बार बार आपका मन में ख्याल आता है बेबी गर्ल और बेबी बॉय के बारे में, तो वो सारे डाउट्स आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं और कमेंट्स कर देते हैं, तो वीडियो को जब तक आप पूरा देखेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि बेबी गर्ल और बेबी बॉय को क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। जो मेरा 3 यानी कि 3 बच्चा है, 2 लड़का है और 1 लड़की है, उस समय मेरा क्या क्या सिम्टम्स दिखे थे 3 बच्चों में, लड़की के टाइम क्या क्या सिम्टम्स था मेरा और लड़के के टाइम क्या क्या सिम्टम्स था, क्या क्या लक्षण था, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है इनमें से कुछ भी सिम्टम्स आप में मैच करता हो तो आपको लड़का होगा या लड़की होगा आसानी से जान पाएंगे और अपने जिज्ञासा और मन की उत्सुकता को कम कर पाएंगे। इससे पहले यदि आप कुछ भी प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, कुछ भी बेबी केयर हो, प्रेगनेंसी केयर हो, कुछ भी प्रोडक्ट्स आप लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाकर चेक कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, वहां से आसानी से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी से जुड़ी ही वीडियो मिलती है। और प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको रिप्लाई करने की। तो चलिए लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगी कि मेरा यानी कि जब गर्ल हुई थी, बेबी गर्ल, तो उसमें मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ आपके साथ। उसके बाद मेरा 2 बेबी बॉय हुआ है तो मैं बेबी बॉय का भी सिम्टम्स आपके साथ क्लियर करूंगी। मेरा एक बेटी है जो सेकेंड प्रेगनेंसी में हमने बेटी को जन्म दिया था, तो उस समय मेरा सबसे पहले ये सिम्टम्स था कि मुझे खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा एक अलग तरीके से भाती थी, यानी कि मैं प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा, यानी कि मैं उससे बोल सकती हूँ कि काफ़ी मात्रा में मैं मीठा खाना स्टार्ट कर दी थी। जैसे हमने प्रेगनेंसी को कंसीव किया था मात्र 1 मंथ भी नहीं हुआ था और मुझे मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था और मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी। तो बड़े बुजुर्ग ऐसे बोला करते हैं कि यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान मीठा बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो लड़की होने वाला है, लेकिन सच ये मेरे लिए सच ही हुआ कि मैं मीठा बहुत ज़्यादा खाती थी। तो हमने बेबी गर्ल को जन्म दिया था और तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम था मेरे लिए और हमने बेबी गर्ल को जन्म दिया। तो चलिए ये तो लड़की का सिम्टम्स हो, बहुत सारे सिम्टम्स है। यदि मैं पूरे सिम्टम्स को शेयर करूंगी आपके साथ तो वीडियो कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा का हो जाएगा, तो इसलिए मैं एक एक सिम्टम्स है यानी कि लड़की का क्या एक सिम्टम्स था और बेबी बॉय का 3 से 4 सिम्टम्स शेयर कर दूंगी। हो सकता है इनमें से कुछ भी सिम्टम्स आप में मिल जाए तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा, या आप चाहते हैं कि मैं पूरा 3ों बेबी जो मेरा हुआ था उनका सारा सिम्टम्स शेयर करूंगी तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर करके पूरे वीडियो बना दूंगी। तो चलिए बेबी बॉय का आप सिम्टम्स जान लेते हैं। जब मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमने बेबी बॉय को जन्म दिया था और मेरा लास्ट था यानी कि 3 बेबी है मेरा, तो उस समय मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा जो सिम्टम्स दिखा तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा चेहरा का जो रंगत है ना पूरा यानी कि डल हो गए थे, डल पूरा। जितना भी आप क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा डल हो गए थे। आँख के पास पूरे काले आ गए थे, पूरे फुंसी आ गए थे पूरे चेहरे पे और दाने पड़ गए थे, यानी कि कुल मिलाकर चेहरा का पूरा बैंड बच चुका था। तो यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान इन तरीके से सिम्टम्स दिखते हैं, चेहरे काले पड़ रहे हैं, आप पहले बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे और प्रेगनेंसी के दौरान आपकी खूबसूरती में कमी आ रही है, तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है, या सिर्फ और सिर्फ आपको लड़के के टाइम ही देखेंगे, क्योंकि मेरा यह पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था और हमने बेबी बॉय को जन्म दिया था। चलिए अगले सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे सिम्टम्स के बारे में पता चल सके और हो सके इनमें से आप में भी कोई सिम्टम्स दिखने को मिल सके। तो अगला सिम्टम्स है कि यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा आपको यानी कि घबराहट होती है, बेचैनी होती है, एक अजीब सा लगे रहता है, ऐसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में घबराहट बेचैनी होना आम बात है क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं,
तो इस तरीके से आपको बेचैनी घबराहट होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है कि ये लड़के के टाइम सिर्फ देखा जाता है, मेरे साथ होता था। तो यदि आप चाहे तो डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं, ऐसे डॉक्टर सलाह लेना भी चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है। और मैं बता देती हूँ, मैं भी जो बता रही हूँ आपके साथ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ना ही तो इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है, ना ही इसका कोई डॉक्टरी फरमाश है। तो इसलिए मैं पहले क्लियर कर दे रही हूँ कि आप लड़के लड़के बिल्कुल भेदभाव मत कीजिएगा, और कोई भी सिम्टम्स 110% कभी भी सही नहीं होता है। मैं ये खुद बोल रही हूँ, ये नहीं कि मेरे लिए 110% सारे सिम्टम्स सही किए हुए हैं तो आपके साथ भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं, अपोजिट भी हो सकता है। क्योंकि मैं कई लोगों को देखी है कि सिम्टम्स मेरे साथ जो सही हुआ है उनके साथ अपोजिट भी हुआ है। तो चलिए अगले सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं कि यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान एक हाथ या एक पैर कोई भी एक दर्द होता है, और वो दर्द आपको आता है और जाता है, यानी कि दर्द हो रहा फिर कम हो जा रहा है 3 महीने से लेकर पूरे 9 महीने तक लगातार, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है लड़का होने का। तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए क्या आपके साथ भी ये सिम्टम देखने को मिला है, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अगले सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं, वो है कि यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाना पसंद है। ये मेरा पर्सनली है, अब बहुत ही खास लक्षण है मेरे लिए, आप याद रखिएगा, खास लक्षण है मेरे लिए, बहुत बड़ा सिम्टम्स है मेरा ये, कि मुझे खाने में बहुत ज़्यादा बदलाव आया था और मैं बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाना पसंद करने लगी थी। और मुझे कई लोग तो देखकर बोल देते थे कि आपको बेबी बॉय हो गया। सिम्टम्स देखकर बड़े बुजुर्ग अनुभव कर ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें कितने लोगों को ऐसे देखते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं, तो उनको तो पता चलेगा ही। अब मुझे पता चला कि लोग देखकर कैसे बता देते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगा। तो मुझे चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना पसंद थी, तो उसमें मेरा बेटा हुआ था, मेरा बेटा अभी यानी कि 7 8 7 साल का हो गया है, 8 साल का। तो हमने फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे ये सब सिम्टम्स देखे थे। एक और सिम्टम्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो भी बहुत ही खास है। जैसे कि आपको यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि जैसे कि आपने कोई चीज़ की, जैसे कि आटा गूंथ रहे हैं या मान लेते हैं पनीर की सब्जी बना रहे हैं, तो कोई कोई चीज़ ऐसा होता है जिसमें कि आटे हो गया, पनीर का सब्जी हो गया, चावल हो गया, इस सब में से बदबू आने लगती है, यानी कि महक स्मेल आपको लगेगी कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। तो मुझे आटा में से आता था, कई लोगों को मैंने देखा है कि चावल से उनको बदबू आती थी, कई लोगों को पनीर या कोई चीज़ की सब्जी से बदबू आती थी। तो आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। ये भी मेरा एक बहुत बड़ा सिम्टम्स था लड़का होने का, तो उस समय मेरा बेटा हुआ था जब मुझे आटा से बदबू आती थी। तो जितने भी मैं सिम्टम्स बताई, मेरा सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके लिए कितना सही है और कितना गलत है। चलिए मिलती हूँ अगले न्यू वीडियो में, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, यदि आप बेबी केयर से जुड़ा कुछ भी लेना चाहते हैं या प्रेगनेंसी से जुड़ा, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। नमस्कार।